करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। महाराज जी, 10:50 के आसपास का वो समय तय रखा गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे अभी अभी क्योंकि लैंड किए हैं, वहाँ से आने में इनको बस 15 मिनट के आसपास लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और 11 से 12 बजे का जो समय है वो सिर्फ रिजर्व टाइम के तौर पर प्रधानमंत्री के लिए रखा गया है। समझा जा सकता है कि 12 बजे पूजन में जाने से पहले अपने आप को वो तैयार करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि पिछले 11 दिनों से किस प्रकार से वो उन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, उन सारे अनुष्ठान को कर रहे हैं जो कि एक यजमान के तौर पर, हालांकि मुख्य यजमान तो कोई और है, लेकिन यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आज के पूजन में शिरकत करेंगे, तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को उसी निष्ठा के साथ उन सारे अनुष्ठानों का वो पालन करें, और उन सारी चीज़ों को उन्होंने किया है। हमें बार बार बताया गया कि PM ने जब तिर क्षेत्र के लोगों से पूछा था कि क्या क्या अनुशासन उन्हें करना होगा ताकि वो उस दिन पूजा में शिरकत कर सके, तो उसमें सख्त हिदायत दी थी कि आप ये ना सोचेंगे क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर सरकारी काम करना है, व्यस्तताएं रहती है, तो उसमें मैं उस अनुशासन का पालन नहीं कर पाऊंगा, आप जो भी बताएंगे मैं उसी कठोरता के साथ उसका पालन करूंगा, और उन्होंने वो किया। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र, और 11 दिन से अनुष्ठान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, कठिन तपस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने उत्तर से दक्षिण की जो एक सफर तय किया या जो एक दूरी तय की उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।